नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बहुत ही बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी पूरे शहर के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी दोस्तों वहां पर पहुंच गया है। बात है दोस्तों एटा जिले की। जिले के बागवाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा से स्कूल के शिक्षक ने रेप किया। छात्रा स्कूल में पेपर देने गई थी। इस दौरान शिक्षक दूसरे कमरे में कुर्सी रखने के बहाने ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी शिक्षक स्कूल के प्रबंधक का पुत्र दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है। बागवाला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री क्षेत्र के एक गांव में स्थित उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ती है, मंगलवार को स्कूल में पेपर देने गई थी। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक ने उसे दूसरे कमरे में कुर्सी रखने के लिए भेज दिया। इसी दौरान शिक्षक पीछे से कमरे में जा पहुंचा और उसने अंदर से कुंडी लगा दी। बाद में उसके साथ रेप किया। जब पुत्री चिल्लाई तो आरोपी शिक्षक ने उसका मुंह भी बंद कर दिया था। वहीं दोस्तों इस घटना को लेकर उसकी पूरी सच्चाई दोस्तों अब पुलिस को बताई गई है और अब छानबीन शुरू कर दी गई है। सीओ सिटी कालू सिंह ने बताया कि विद्यालय में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार के लिए दोस्तों पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो बेहद बुरी खबर दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक ने दोस्तों सारी हदें पार कर दी हैं और अब उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।